नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टीवी देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त तो है फेस टू फेस का। अदनान सामी को पद्मश्री मिला तो सरकार के फैसले पर विवाद भी खड़ा हो गया। कांग्रेस और एनसीपी ने कहा कि पाकिस्तानी मूल के सिंगर अदनान सामी को इसलिए सम्मानित किया गया ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। आज इसी पर फेस टू फेस होगा और दो मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरीश भारद्वाज जी कांग्रेस से होने वाले हैं, कैप्टन आई सिंह साहब बीजेपी से होने वाले हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हंगामा है क्यों बरपा? अदनान सामी को पद्मश्री के बहाने CAA पर सियासत क्यों? पद्म सम्मानों की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक ओर बधाई संदेशों की भरमार है तो दूसरी ओर हंगामा खड़ा करने वाले संदेशों की भी कमी नहीं है। अपनी आवाज से लिफ्ट कराने वाले अदनान सामी एकाएक सुर्खियों में आ गए। वजह है उन्हें मिला पद्मश्री सम्मान। अदनान मूल रूप से पाकिस्तानी हैं लेकिन भारत की नागरिकता हासिल कर चुके हैं। भारत की नागरिकता उन्हें मोदी सरकार के कार्यकाल में दी गई, इसी को लेकर कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती दिखाई दी। अदनान सामी जिनके पिता पाकिस्तान वायुसेना के अफसर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे गोला बारूदी की, उनको पद्मश्री से नवाज दिया, तो इसमें तीन प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला कि आज भारत के सिपाही को अपनी नागरिकता का सबूत देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वायुसेना के पुत्र को पद्मश्री से क्यों नवाजा जा रहा है? कांग्रेस के जयवीर शेरगिल ने ट्वीट कर लिखा कि करगिल युद्ध में शामिल हुए सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह को घुसपैठिया घोषित कर दिया गया, जबकि सामी को पद्म सम्मान दिया जा रहा है जिसके पिता ने पाकिस्तानी वायुसेना में रहकर भारत के खिलाफ गोलीबारी की थी। तो अदनान सामी ने अपने अंदाज में ट्वीट कर इसका जवाब दिया। हे बच्चे, क्या आपने दिमाग क्लियरेंस सेल से या सेकंड हैंड नोवेल्टी स्टोर से लिया है? क्या वर्कले में यही सिखाया गया था कि एक बेटे को उसके माता पिता के कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए? और आप एक वकील हैं, क्या आपने लॉ स्कूल में यही सीखा? इसके साथ ही शुभकामनाएं। मोदी जी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता मिलेगी और उसे पद्मश्री से भी वे नवाज देंगे, लेकिन जो भारतीय हैं उन्हें भारतीय हो इसका सबूत मांगेंगे। अगर आप सरकार के खिलाफ हो तो आपको नवाजा नहीं जाएगा, आपको धुतकारा जाएगा, पीटा जाएगा। मोदी जी का, मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है कि मोदी जी का जो गुणगान करेगा उसको भारतीय नागरिकता के साथ साथ पद्मश्री भी दिया जाएगा। हमें लगता है ये भारत की जनता का अपमान है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने इस विवाद को CAA से जोड़ दिया। सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना धार्मिक पक्षपात के नागरिकता देने का अधिकार है, फिर CAA क्यों? सिर्फ भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए? अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित मुस्लिम समुदाय भारतीय नागरिकता की मांग करते हैं तब मोदी सरकार क्या करेगी? चारों तरफ से हंगामा उठने के बाद बीजेपी से रविशंकर प्रसाद जवाब देने के लिए आए। कांग्रेस की नौटंकी देखिए कि अदनान सामी को दिया तो उस पर परेशानी है। ये क्या है कांग्रेस की सोच? वो आए, भारत के नागरिक बने, अच्छे गायक हैं, भारत को सलाम भी करते हैं, हमने सम्मान किया, तो उस पर परेशानी है। यह है कांग्रेस की सही सोच। नागरिकता कानून को लेकर पहले से भूचाल मचा है। अदनान एपिसोड ने इस हंगामे में नया तड़का लगाया है। यहाँ आपको ये बता दें कि अदनान सामी का जन्म लंदन में हुआ था। उनके पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट थे। उन्होंने 2015 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। जनवरी 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो अदनान स्वामी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, जल्दी से वो भी आपको सुना रहे हैं। पद्मा अवार्ड्स को लेकर यह कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि बहुत ही योग्य व्यक्ति अदनान स्वामी जी हैं, ही इज हाईली डिजर्विंग, और मेरिट के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, गुण के आधार पर उन्हें यह अवार्ड्स दिया गया है। वो एक वोकलिस्ट भी हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पियानिस्ट भी हैं और एक वर्ल्ड एक्लेम्ड म्यूजिकल कंपोजर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, और लगभग 4 दशकों तक, फॉर 4 decades ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड। उन्होंने 120 से अधिक गाना गाया है, सोलो कंसर्ट 40 से अधिक देशों में पूरे विश्व में किया है। बिना वक्त जाए कि ये सीधे आपको मेहमानों के पास हम लिए चल रहे हैं। हरीश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, पद्मश्री मिला अदनान को, दिक्कत कहां हुई? पद्मश्री ये सरकार का प्रोगेटिव है, किसको पद्मश्री देती है किसको नहीं देती है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, बहुत छोटी सी दिक्कत है कि इस देश के अंदर 33,000 लोगों ने आवेदन किया था कि हमको भारत की नागरिकता दे दी जाए, हिंदुओं ने, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित थे, जिनकी की संख्या इन्होंने संसद में बताई थी। यानी 33,000 लोगों के आवेदन पड़े हुए थे सरकार के पास, जिनको के भारत की नागरिकता दी जानी थी। उनको नागरिकता हिंदुओं को नहीं दी गई है, हिंदुओं को नागरिकता उन 33,000 लोगों को नहीं दी गई 1955 एक्ट के तहत। इनको 1955 एक्ट के तहत भारत की नागरिकता भी मिल गई और पद्मश्री भी मिल गया। तो मतलब सरकार को CAA लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो दरअसल क्या है कि जिस प्रकार से एक जो 18 लाख का जो NPA हो गया, जो बेरोजगारी देश की उच्चतम स्तर पर है, जो 3.64 करोड़ लोगों के रोजगार पिछले 6 वर्षों के अंदर चले गए हैं, देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह तबाह है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये जो देश के नैरेटिव को चेंज करने के लिए ये पूरी तरीके से ये हिंदू मुस्लिम कराने के लिए CAA, NPR और ये NRC लेकर के आए हैं। आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे, हम भी बैठे जवाब देने के लिए, बताइए। आप, मेरी समझ में एक चीज ये नहीं आती। पहली बात तो ये है कि अदनान स्वामी हमारे देश के नागरिक हो चुके हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। और हमें एक बात और समझ में नहीं आ रही, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने किसी मुस्लिम को नागरिकता दी है और उसको सम्मान दिया है, वो भी पाकिस्तान से। एक मिनट पहले सुने आप मेरी पूरी बात, वो भी पाकिस्तान से आई हुई है हमने। आप एक तरफ पाकिस्तान, अरे हमको तो पता है आपका पाकिस्तान प्रेम, मेरी बात पाकिस्तान प्रेम, मेरी बात पता है आपका, नवाज शरीफ के पैर, आप क्यों आप मुसलमानों को क्यों बरगला रहे हैं, आप मुसलमानों को क्यों बरगला रहे हैं, आप मुसलमानों को क्यों बरगला रहे हैं, आप एक तरफ को मुस्लिमों को ये कह रहे हो कि आपको बीजेपी परेशान करना चाहती है, देश से निकालना चाहती है, और दूसरी तरफ आप जो है ना मुसलमान का सम्मान देने तो आपको हजम नहीं हो रहा है। यही तो बताना है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप किसके विरोधी हो, आप सरकार के विरोधी, आप मुसलमान को कितनी देर तक और बेवकूफ बनाओगे। आज मुसलमान आपको जान चुका है कि आप मुसलमान के हितैषी नहीं है, क्योंकि आप हिमायती होते आज आप विरोध नहीं करते। हमने आज उस नागरिक को सम्मान दिया है जिसके लिए अभी तक आप मुसलमानों को डराते रहे कि देखो ये मुसलमानों को बाहर निकालना चाह रहे। एक मिनट सुने आप, बोल लीजिए, आप मुझे भी समय दीजिए, ठीक है ना। आप तक ये कहते रहे कि ये पाकिस्तान के मुसलमानों को निकालना चाहते हैं, बांग्लादेश के, हमने पाकिस्तान के आए हुए मुसलमान को ही सम्मान दिया है। और आप किस नियम से, इस नियम से जो नियम होता है वो आज हमारा नागरिक का नागरिकता आज आज नहीं आज वो हमारा नागरिक है, नागरिक को क्यों नहीं दिया 33,000 को, क्यों नहीं दिया? बिल्कुल उनका भी, जब उसके लिए CAA क्यों लेकर, बिल्कुल उनको भी, लोगों को सड़कों पर क्यों खड़ा किया, उनको भी दिया जाएगा, उनको गर्त में क्यों ले जा रहे हो, क्यों क्यों विदेशों में, देखिए देखिए कैप्टन साहब, हमारा विदेशों में बहुत नाम खराब हो रहा है, यूरोपियन संसद खराब नहीं हो रहा, वही तो आपका हजम नहीं हो रहा है,
विदेशों में हमारा नाम अच्छा हो रहा है, कोई तो आपको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ नाम ही विदेशों में खराब किया है। आपने विदेशों में सिर्फ नाम ही खराब किया और किया ही क्या है, आपने हिंदू मुसलमान में बांटा है, आपने अभी तक मुसलमान को ये डराया है कि बीजेपी आपकी हितैषी नहीं है। आज बीजेपी ने वो करके दिखा दिया कि हम मुसलमानों को सम्मान देते हैं, आप नहीं देते, हमने दिया, आपको हजम नहीं हुआ। एक हमारे जो देश के सैनिकों के ऊपर आक्रमण करने वाले, जिसने देश के एक फाइटर प्लेन को गिराया, जिसने गलत 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 नहीं, अन्नान स्वामी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो हमारे देश के नागरिक है, आप गलत कह रहे हैं। अन्नान स्वामी हमारे देश के नागरिक है और हमने भारतीय नागरिक को सम्मान दिया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया है। पाकिस्तानी को बिल्कुल हिंदुस्तान की नागरिकता दी और उसके बाद पद्मश्री दी। आप मैं ये जानना चाहता हूँ की कांग्रेस का चेहरा क्या है, कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस एक तरफ तो मुसलमानों को यह कह के डरा रही है कि बीजेपी आपको बाहर निकालना चाहती है, और एक तरफ बीजेपी अगर सम्मान कर रही है तो आप कह रहे हो कि सम्मान क्यों किया? उसके पिता ने, पाकिस्तान के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और आपने उसको देश की नागरिकता दी, उसके बाप ने हमारे देश को आक्रमण किया। पिता उसका पाकिस्तान में है, वो बेटा भारत में यहाँ का नागरिक है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। टैंकों को हमारे देश के नागरिक, उसने फाइटर गलत, आपके पास आंकड़े नहीं है, आर्मी पसंद मैं हूँ, मुझे मालूम है कि उसने कोई उसका कोई आक्रमण नहीं था। आप गलत आंकड़े लेके आए, अरशद सामी उसके पिता ने हिंदुस्तान की आक्रमण किया था और 16 फाइटर हमारे फाइटर, आप डिबेट में आए, आप डिबेट उसको, अरे आप सुनी बात, डिबेट में आए, आप डिबेट में आए, पाकिस्तान ना भागे, आप डिबेट में आए, एजेंट आप हो गए, आप डिबेट में आए, आपकी सोच, आपकी सोच क्या है कि मुसलमानों को सम्मान ना दिया जाए? आप ये बताएं, आप मुझे तो ये बताएं क्या मुसलमानों को सम्मान दिया जाए? मैं सिर्फ दिया जाए तो फिर विरोध क्यों? मैं विरोध नहीं, फिर विरोध क्यों? मैं आपके चेहरे को बेनकाब, अरे बेनकाब तो आप हो गए आज, आज आपको डर तो यही है कि आज आप बेनकाब हो गए। आज बीजेपी ने वो करके दिखा दिया कि हम मुसलमानों के हितैषी है, हितैषी है, मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। 6 साल में 34,000 हिंदू, आज पूरे देश का मुसलमान ये कह रहा है कि बीजेपी ने वो करके दिखाया है जो कांग्रेस ने नहीं। आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, एक एक करके ही बोल सकते हैं। कैप्टन साहब, इस सियासी हंगामे के बीच ये लड़ाई सीए तक जा पहुंची है। एक सवाल मेरा ये भी है, मेरा नहीं है, नवाब मलिक साहब का है, महाराष्ट्र एनसीपी से कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि बीजेपी मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, यानी कि जो चापलूसी कर ले, चटकारिता दिखा दे या कुछ इस तरह से करे तो उसको सम्मानित करती है, जो विरोध में बोले तो वो देशद्रोही। सबसे बड़ी बात, नवाब मलिक का मैं जवाब देना चाहूंगा कि नवाब मलिक की सोच आपने शुरू से देखी है कि वो जब भी मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से जहर निकलता है। वो कभी इस देश के हितैषी नहीं है, वो हरदम जो है ना देश तोड़ने की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो नवाब मलिक की कौन बात सुनेगा? नवाब मलिक कोई एक अच्छे इंसान है, कोई देश के हितैषी है, तो उनकी उनके बारे में तो जो कहा जाए, विपक्ष है इस देश का वो सारा देश द्रोही। विपक्ष बुरा नहीं होता, मगर देश द्रोह करने लगे तब बुरा होता है। चाहे सोनिया गांधी हो, देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो सब देश द्रोही हैं। देश सिर्फ आप हैं, जो 30% जनता को जिसने वोट दिया मोदी को, वो 30% जनता ही देशभक्त है, बाकी 70% आपके हिसाब से देशद्रोही। देशद्रोह के काम करने से देशद्रोह होती है। पठानकोट में पाकिस्तान की ISI, आप फिर भाग गए, आप फिर भाग गए, आप यहाँ करो ना। अदनान सामी पाकिस्तान को हिंदुस्तान की नागरिकता दी, जिन्होंने पद्मश्री, पद्मश्री के ऊपर बहस हो रही है, आप पद्मश्री उठाते आए, आप पद्मश्री पे आए, आप इधर उधर ना भागे, आप बहस से भटके नहीं, आप बहस पे आए, आप बहस से भटक रहे, आप भाग रहे। 24 घंटे आपकी राजनीति पाकिस्तान, इतना भगवान का नाम नहीं लेते। मैं आपकी हर बात का जवाब देने को बैठा हूँ, मगर आप बहस पे आए, आप इधर उधर ना भागे, आप गलत भाग रहे। आप पद्मश्री पे बहस हो रही है, पद्मश्री पे बात करें, मैं आपको एक एक जवाब दूंगा। बताइए, अदनान सामी को आपने नागरिकता किस कानून के तहत दी? 34,000 जो हिंदू थे उनको नागरिकता क्यों नहीं दी, आप बता दीजिए। अदनान सामी ने भारत में आके प्रोपर चैनल जो तरीका होता है उससे उनने नागरिकता, 34,000 एप्लीकेशन का क्या हुआ, 34,000 आप सीए देश के बनाए थे, 34,000 में जो भी मांगेगा उसको सबको दी जा रही, किसको मना किया जा रहा है? सीए की क्या जरूरत थी क्यों, जब आप एक अदनान सामी को
पाकिस्तान के अदनान सामी को आप हिंदुस्तान की नागरिकता 1955 एक्ट से दे सकते हो तो 34,000 हिंदुओं को आप सुने 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 छह साल के मैंने आप क्यों नहीं दी? मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, अब जवाब सुने, जवाब सुने। सीएए का मतलब क्या है? नागरिकता देना, नागरिकता देना है सीए का मतलब। एक मिनट सुने, सीए सामी किसी 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 की नागरिकता लेना नहीं। अदनान सामी किस तहत के कानून के तहत दिया आपने? जो एक विदेशी के लिए जो जो फार्मूला बना हुआ है उस हिसाब से तो दिया है। 34,000 जो हमारे हिंदू हैं पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए, मैं यही तो कर ये है ही उन्हीं के लिए। अरे तो अरे आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो, ये उन्हीं के लिए है। अदनान सामी को नागरिकता देने के लिए है। अदनान सामी को उससे पहले नागरिकता दे सकते हो सीए कानून से पहले। तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि इन लोगों को 34,000 जो लोग थे इनको क्यों नहीं दी गई? एक मिनट सुने आप, हम तरीके से सुने, हम पूरा जवाब हाँ एक मिनट सुने, बताइए आप क्यों नहीं दी आपने? जो 34,000 हैं वो हमारे देश में ही आके रह रहे हैं। हाँ रह रहे हैं, हाँ बिल्कुल रह रहे। इसीलिए उनको सीए बनाया गया है कि उनको नागरिकता हमारे से हमारे देश में रह रहे हम उनको नागरिक बना सके। सुने प्रश्न, एक मिनट सुन लिया। और अदनान सामी पाकिस्तान से आए हुए थे, सामी है, सामी जो भी है, हाँ। अदनान सामी जो भी है, उनको जो है ना उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए हमारे यहाँ के लिए नागरिकता लेने के लिए किया था, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, वो हिंदुस्तान में रह रहा है और उसको सुन लीजिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत लोग रह रहे हैं। 1955 के नागरिकता संशोधन कानून के तहत अदनान सामी को भारत की सरकार ने भारत की नागरिकता दी है और ऐसी ही एप्लीकेशन 34,000 एप्लीकेशन जिनके लिए सीए कानून ये देश के गृह मंत्री लेकर के आए हैं उसके तहत वो 6 साल के अंदर कानून के तहत उनको नागरिकता दे सकते थे। बिल्कुल लेकिन ये सीए में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान नहीं भटकाना, ये नागरिकता उन्हीं के लिए है, सीए ये उन्हीं के लिए है, हिंदू और मुसलमानों में देश को बांटने के लिए। मुसलमान आप बांट रहे हैं का कानून लाया है, ये हम जाल पकड़ी गई, नहीं 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 चोरी पकड़ी गई, चोरी आपकी पकड़ी गई, पकड़ी गई। आज देश का मुसलमान जान गया, आज देश का मुसलमान जान गया कि कांग्रेस मुसलमान मोदी का विरोध नहीं कर रही है, मुसलमान का विरोध कर रही है। चोरी इसलिए पकड़ी गई कि एनपीए जो 18 लाख हो गया है, जो 3,64,00,000 छह साल में बेरोजगारी लोगों की बेरोजगारी बढ़ गई है, जो आईएमएफ ने कह दिया कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो हिंदुस्तान की वजह से घाटे में जा रही है, आज लोगों को कह दिया गया। आप गलत आंकड़े लेके आ रहे हैं, आप गलत आंकड़े लेके आ रहे हैं। रिजर्व बैंक का बिल्कुल पकड़ी गई, आज देश का मुसलमान जान गया, बिल्कुल पकड़ी गई, आज देश का मुसलमान जान गया, पकड़ा गया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ करती नहीं है, आज पकड़ा गया, आज आपका चेहरा खुल के सामने आ गया, जन्मे पाकिस्तानी लोगों का आज पकड़ा गया, आज देश का एक एक पाकिस्तानी पार्टी का देश का एक एक मुसलमान आज कह रहा है कि कांग्रेस प्रेम पकड़ा गया मुसलमानों की। आज आप जवाब दीजिए, समर्थक जब अदनान सामी पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता मिल सकती है तो 32,000 या 33,000 हिंदुओं को आपने 6 साल के अंदर नागरिकता क्यों दी नहीं? बिल्कुल जरूरत, ये इसीलिए है, जरूरत है नहीं थी, जरूरत है, ये उनको नागरिकता ध्यान तो आप भटका रहे, ध्यान आप भटका रहे, हम नहीं भटका रहे, लोगों को तोड़ने की राजनीति। आज आपको लगा, आज आपको लगा कि हमने किसी मुसलमान को सम्मान दिया है वो आपसे आज हजम नहीं हो रहा है। इसका मतलब पाकिस्तानी मुसलमानों को सम्मान दोगे, हिंदुस्तान लाओगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान हमें समाप्त हुआ, हमारे कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अदनान सामी को लेकर पद्मश्री उन्हें मिला है, इस सम्मान को लेकर जिस तरह हो रही है सियासत को लेकर आप लोगों की चर्चा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अदनान सामी का मुझको भी तू लिफ्ट करा दे ये गाना, और देश के तमाम संगीत और गीत प्रेमियों ने इस गाने के जरिए अदनान को पहचान दिलाई, ये सच है। और आज सियासत में भी लिफ्ट हो रहे हैं अदनान सामी, अब कहां जाकर ये सियासत थमेगी ये वक्त ही बताएगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।